आपका क्वेश्चन है कार्ड्स नंबर फ्रॉम 11 टू 60 आर कैप्ट इन अ बॉक्स। इफ अ कार्ड इज ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम द बॉक्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड इज। तो यहां पर आपके कुछ प्रोबेबिलिटी नहीं। तो सबसे पहले आप ये समझो कितने कार्ड्स हैं हमारे पास। तो यहां पर क्या दिया है 11 टू 60 That means टोटल 60 कार्ड में से उसने 10 कार्ड आउट कर दी, तभी तो 11 से शुरू होगा। तो आपके पास में टोटल कार्ड इज व्हाट 60 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू वी कैन से इज 50 ऑनली। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या है इसका, एन ऑड नंबर। तो ऑड नंबर कितने हैं? तो हमको ये पता है कि ये देखो क्या है इवन है ना, तो फर्स्ट कम्स योर 11 से शुरू हो रहा है दैट मींस ऑड, फिर इवन ऑड इवन दैट मींस 50 के अंदर 25 इज ऑड एंड 25 इज इवन। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 25/50। तो 25/50 That is equal to 1/2 is the probability. Next देखो a perfect square number. तो 11 से ज्यादा perfect square कौन सा होता है हमारा 4 first. तो यहां पर आपका क्या क्या आ जाएगा देखो 4 is 16 है ना, 4 का square is 16. Next 5 का square is 25. 6 का स्क्वायर इज 36, 7 का स्क्वायर इज 49 है ना, और 8 का स्क्वायर इज 64। तो वो नहीं आएगा आपके, ओनली 4 इज देयर। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 4/50। तो यहां पर आपका हो गया 4/50, इसको 2 से रिड्यूस करोगे यू विल गेट 2/25। ठीक है, नेक्स्ट डिविजिबल बाय 5 कौन कौन से नंबर है? तो फर्स्ट नंबर इज 11 के बाद क्या आता है 15 है ना, और यू कैन से देखो 60 तक हमारे कितने होते हैं 12, तो जिसमें हमने क्या कर दिया 10 तक तो आउट कर दिया दैट मींस टू नंबर्स आर आउट, तो 12 माइनस 2 इज 10। तो यहां पर आपका हो सकता है 12 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 10, तो 10/50 दैट इज इक्वल टू 1/5। ठीक है, प्रोबेबिलिटी इज 1/5 नाउ। नेक्स्ट देखो अ प्राइम नंबर लेस देन 20। तो सबसे पहले देखो 11 ही प्राइम नंबर है हमारा, फिर आपका 13 हो गया, फिर 17 एंड 9 है ना, फोर नंबर्स है, तो 4/50 दैट इज इक्वल टू वी कैन से इज 2/25। तो ये आपकी प्रॉपर्टीज। ठीक है,